bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum dear student of class 2 hope you all will be fine welcome to your computer class dear student today we are going to study book page number 56 so let's start open your book page number 56 dear student it is a book page number 56 of your computer book let's start on the home tab dear student it is a home tab okay home tab

इट इज़ अ शेप्स ग्रुप इसको हम क्या कहते हैं शेप्स ग्रुप यहाँ पे हमारे पास शेप्स मौजूद हैं कौन कौन से शेप हैं हमारे पास लाइन भी है सर्कल्स भी हैं स्क्वायर्स भी हैं ट्राइंगल्स भी हैं ट्राइंगल स्टार्स भी हैं एरोज भी हैं है। और हमारे पास यहाँ पे और भी डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं ठीक है ठीके? टू एड अ शेप ऑन ऑन द ड्राइंग एरिया डेयर स्टूडेंट ये जो है इसको हम क्या कहते हैं जो एम पी टी एरिया होता है इसको हम कहते हैं ड्राइंग एरिया अब हमने अपनी शेप को यहाँ पर ड्राइंग एरिया में रखने के लिए क्या करना है सिंपली क्लिक ऑन इट सिंपली हमने एक शेप पे क्लिक किया देन ड्रेक द पॉइंटर अक्रॉस द ड्राइंग एरिया टू ड्रा द चूज इन शेप फिर हमने एक जो सिम्पली हमने कोई भी एक शेप पे क्लिक किया उसको ड्राइंग एरिया पे पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पे लाके उसको ड्रैग करेंगे तो हमने जो भी शेप हमने जो भी चूज की है वो यहां आकर हमारी क्या हो जाएगी ड्रा हो जाएगी ठीक है नाउ कम टू द एक्सरसाइज क्रिएट अ पिक्चर इन द ड्राइंग एरिया विद द डिफरेंट शेप्स डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है शेफ्स की मदद से यहाँ पर जो आपको शेफ्स नजर आ रहे हैं इन शेफ्स की मदद से आपने एक पिक्चर इस ड्राइंग एरिया में ड्रा कर लेनी है ठीक है नाउ कम टू द बुक पेज नंबर फिफ्टी सेवन ऑन द बुक पेज नंबर फिफ्टी सेवन ऑन द होम टैब यहाँ भी होम टैब ही है द इमेज ग्रूप हैज टूल्स विच इनएबल एस टू एडिट ड्राॅइंग यहाँ पर हमारे पास क्या है इमेज ग्रूप है जो हमारी पिक्चर को क्या करती है एडिट करने के लिए यूज होती है द सेलेक्ट टूल इज यूज टू सेलेक्ट एन एरिया टू वर्क विद स्टूडेंट्स ये है सेलेक्ट टूल ठीक है इसको हम किस लिए यूज करते हैं सेलेक्ट एरिया यानी कि हमने एरिया को सिलेक्ट करना है कि हमने अपनी पिक्चर कहाँ पे कौन सी पिक्चर है उसको किस तरह से हम करना है तो उसके लिए हम कौन सी टूल यूज करते हैं वी यूज़ सेलेक्ट टूल नेक्स्ट है द क्रॉप टूल इज यूज टू क्रॉप अ पिक्चर टू चेंज इट अब हमारे पास नेक्स्ट जो है टूल है वो है क्रॉप टूल ये है हमारे पास क्रॉप टूल इसको हम किस लिए यूज करते हैं क्रॉप अ पिक्चर टू चेंज इट यानी हमने इसको पिक्चर को क्रॉप करने के लिए पिक्चर की ड्राइंग को चेंज करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं क्रॉप टूल ओके स्टूडेंट नेक्स्ट इज ऑन द होम टेप द इमेज क्रूप द इमेज क्रूप क्लिक सिलेक्ट क्लिक एंड ड्रेक टू सिलेक्ट दार्टू वॉन्ट टू कीप इन दिक्चर क्लिक क्रॉप ठीक है अब हमने क्या करना है हमने होम टैब में इमेज ग्रुप है वहां से सिलेक्ट किया हमने इमेज को उसको ला कर डायरेक्ट ड्रैग किया और उसको क्रॉप टूल को उस जगह पर रखना है जहां से हमने पिक्चर को क्या करना है क्रॉप करना है क्रॉप यानी कि पिक्चर को हमने जहां से काटना है उसको वहां पे ला के उसको ड्रैग कर लेंगे तो हमारी पिक्चर जो है पिक्चर का वो पार्ट जो हम क्रॉप करना चाहते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा क्रॉप हो जाएगा क्रॉप यानी कि कट जाएगा वो एरिया ठीक है प्यारे बच्चों hope you will understand easily now come to the your homework and today your homework is there is run now open pen program in your computers pen program will be appear on our computer screen now today we learn how can we save program how can we save document in pen program okay click on the office button click on the save option now write your name here file name अब हम यहाँ क्या करेंगे अपना फाइल नेम लिखें. paint 2 click on the desktop and click on the save option okay हमारा प्रोग्राम जो है paint 2 के नाम से सेव हो गया है नाउ मिनिमाइज द प्रोग्राम अब हम क्या करेंगे प्रोग्राम को मिनिमाइज करेंगे ये देखें डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमारा प्रोग्राम सेव है विद द नेम ऑफ पैंट टू ओके पैन टू के नाम से हमारा ये प्रोग्राम डेस्कटॉप स्क्रीन पर सेव हो गया ओके स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू योर होमवर्क एंड टुडे योर होमवर्क इज Practice of saving up documents in pen program. During the practice, record your video and send me on WhatsApp group. Okay, student, we will meet in next video. Take care. Allah. Take care. Allah Hafiz.